this is us, and that's what we've been doing all these days. Thank you all for being here. पहले तो मैं कहूँगी right now मेरी जो director साहब है वो काफ़ी nervous है. अगर आपको obviously अभी तक दिखाई नहीं दिया है क्योंकि I don't think हमने expect किया था कि ऐसे जो छोटी सी फिल्म हम बनाने निकले थे जो हमने आई थिंक 49 डेज में बनाया था चुपचाप बिना कुछ कहे एक दिन में 7 सीन शूट करते समय ये कभी फील नहीं हुआ था कि वील बी हियर एंड वील बी वी वुड हैव रिसीव्ड ऑफ कोर्स वी होप्ड फॉर अ ब्यूटीफुल रिस्पांस बट वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ ब्यूटीफुल रिस्पांस तो आपको पहले थैंक यू कहना चाहेंगे जिन्होंने इस ट्रेलर को इतना प्यार दिया है इन सबको थैंक यू कहना चाहेंगे मेग्स कभी इट्स स्टिल बिकमिंग अ लिटिल डिफिकल्ट टू स्वॉलो कि हम आज यहाँ हैं और हम अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे फिल्म के कुछ हिस्से लोगों को दिखा रहे हैं बिकॉज ऐसे ही लगता है कि अभी कल की बात है कि वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट द लुक विल बी और इनको इनकी ज़बान की प्रैक्टिस हो रही थी और विकी से उनके लुक की बात हो रही थी जयदीप पता नहीं ढूंढ ढूंढ के कैसे इस फिल्म में जुड़ गए मूछ होगी नहीं होगी ये सारे डिस्कशन ऐसे लगता है कल की बात है बट मेघना जी इसलिए भी नर्वस है बिकॉज प्रमोशन के साथ साथ वो पोस्ट भी अभी हैंडल कर रही है तो जैसे हम प्रमोशन कर रहे हैं और साथ साथ में फोन कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं नहीं प्रोमो यार 30 सेकंड्स काट दे यार 20 सेकंड का काट दे फिर वहाँ पे वो दे दे वहाँ पे ये कोडिंग करते तो उनका वो भी चल रहा है अपना एक अलग खेल चल रहा है जो हमें बिल्कुल नहीं पता है बट या शी इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट ऑल्सो बट थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस हैप्पीनेस ऑफ अस एंड गिविंग सो मच सपोर्ट एंड लव टू आवर ट्रेलर ऑल्सो थैंक यू एंड सो नाउ थैंक यू मैं अभी थोड़ी देर पहले मैम को कह रहा था कि यू शुड बी लाइक दिस ऑन द सेट्स ऑफ द फिल्म एंड शी वाज लाफिंग बट शी इज लाइक दिस ओनली शी इज लाइक दिस ओनली शी इज लाइक आपने देखा है इनको सेट पे कैसे एकदम ऐसे कपड़ा बांध के सर पे जैसे कफन बांध के निकली हां अच्छा विजुअली करेक्ट करेक्ट हां मतलब आई थिंक शायद एक बार मेघना केम विद ब्लो ड्राइड हेयर ऑन सेट जब हम कश्मीर में थे इन कश्मीर हाँ आई सेड अभी मौका है फोटो ले लो तो ले लिया हमने फोटो एंड दैट्स व्हाट आई पुट अप ऑन माय इंस्टाग्राम रिमेंबर यस बट अब आई थिंक वी विल गो बैक टू हाँ श्योर हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना तो हम लोग यहाँ पे खड़े रह के बातें करते रहेंगे सो आलिया इज वेरी फेमिलियर विद द सॉन्ग बिकॉज अभी उन्होंने राइजिंग स्टार शो में उसके फिनाले पे शी हैज एक्चुअली संग द सॉन्ग लाइव विद शंकर सर सो आई बट नन ऑफ यू ऑल हैव सीन द विजुअल्स द वे इट्स बीन कट सो आई थिंक यू ऑल विल आल्सो आई होप यू ऑल एंजॉय व्हाट यू विल सी सो ओवर टू द सॉन्ग नाउ या For the love of your country.
चेयर ले लो चेक 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 हेलो हेलो हाय आलिया हेलो आलिया आपसे सवाल मेरा है मैं अरे हाँ। सवाल की स्पाई का किरदार इसमें है बाकी आप बेटी भी हैं और वाइफ भी बनी हुई हैं जी ये जो सारी प्रैक्टिस हमने देखी ट्रेलर में किस तरीके की थी जरा उसके बारे में बताएं कि एग्जैक्टली किन किन ट्रेनिंग से आप गुजरी आई मीन थोड़ी सी जो टेक्निकल ट्रेनिंग करनी थी जैसे कि मोर्स कोड जो अभी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको एक डॉट है और एक डैश है जिसको हम डिट डा कहते हैं वैसे तो इतना आई डोंट नो कितना फ़र्क पड़ा है कि मैंने एक्चुअली कोड्स मेमोराइज किए थे क्योंकि सीन में तो साउंड नहीं था पर मैंने और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर आरजू उन्होंने नहीं ना आई एम एमिंग एवरी आरजू शुड बी टोल्ड उन्होंने कहा था कि नहीं हम पूरा लर्न करेंगे मैम आई सेड ठीक है पर ये कोड्स है मैं एक एक्टर हूँ मैं आर्मी तो ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ कि मैं क्यों कोड लर्न करूँ नहीं मैम हम लोग करेंगे इन रेट्रोस्पेक्ट ऑन सेट ये लोग तो हमारा पूरा मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि मैं अच्छा अरे कौन सा वाला डिड डा ठीक है डिड डा डा आई वाज डूइंग दैट इवेंचुअली आई रियलाइज कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो कोड लर्न किया क्योंकि जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे ये पता है कि मैं एक सेकेंड के लिए भी कैरेक्टर के बाहर नहीं आई क्या होता है मैं फिर रैंडमली वो फिर यू नो मैं मारती रहती विच आई डिडंट डू तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ यू नो अगर मुझे किसी को इंटेल पास कराना है तो यू हैव अ कैंडिडेट वो किया फिर जोंगा सीखा कैसे ड्राइव मतलब गाड़ी मैंने चलाई है जिंदगी में ऑटोमेटिक चलाई है जोंगा बहुत अलग चीज़ होती है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रक तो एवरी मॉर्निंग 7 AM आई शुड बी सर्कलिंग अंडर धर्मा प्रोडक्शंस पार्किंग लॉट फॉर दैट फिर मेघना का बहुत एक इच्छा थी कि मैं अपनी उर्दू जो है वो साफ करवा लूँ अपना जो मैं है और हैं और हूँ और हूँ और खत्म खतरा ग एवरीथिंग तो वो मैंने एक महीना बैठ के उनके साथ किया कैसे मतलब कैसे मतलब पढ़ के is there some secret to this? I'm not understanding. The movie watch. हाँ no, no, this story will not be sharing with anyone. Then also मेघना जी ने request किया कि मैं कोई पुरानी फिल्में देख लूँ you know. Then मैंने कभी कभी कौन सी देखी आपने guys नहीं मैम आपको बताना चाहिए बात actually नहीं मैंने कभी कभी देखा Stop it. Silsila. Stop it.
ये कुछ सीक्रेट है जो हम लोग नहीं शेयर करने वाले, क्योंकि फिर मेरा तो वैसे भी सत्यानाश हो गया है और सत्यानाश हो जाएगा दुनिया में. नहीं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले दिन जब हमने स्क्रिप्ट की रीडिंग की तो मुझे ज़बान थोड़ी सी कच्ची लगी कि ये मतलब जो ठहराव हमें चाहिए वो है नहीं. मैं कहा लिया ये दो तीन फिल्में हैं ये देख लो, उस वक्त के लोग किस तरह से बात करते थे, उनकी ज़बान कैसी होती थी और एक लहजा होता था बात करने का. तो उन्होंने वो फिल्में कुछ देखी और फिर अगले दिन जब आई वो रीडिंग के लिए तो मतलब ऑलमोस्ट 60% इम्प्रूवमेंट था उनकी ज़बान में. सो विकी आपने कैसे ज़बान पे किया, क्योंकि पाकिस्तान के इंसान का किरदार ज़बान पे ऐसे हुआ जैसे यहाँ था, फिल्में नहीं देखी पर यहाँ पे एक्चुअली मेघना जी ने हर एक्टर के साथ, मेघना जी कौन है, मेघना ने हर एक्टर के साथ तो ये एक अलग ट्रेनिंग चल रही थी ड्यूरिंग द फिल्मिंग, बिकॉज वो मेघना जी मेघना मैम से मार मार के मेघना पे लेकर आई हमें. और तो मेघना हर एक्टर के साथ 1-to-1 बेसिस पे बैठती थी स्क्रिप्ट पे और हर लाइन पे कब नुक्ता आना चाहिए, किस पे नहीं आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना ठहराव चाहिए, उस कैरेक्टर की क्या हिस्ट्री है, सब कुछ मतलब उन्होंने हर एक्टर के साथ 1-to-1 बेसिस पे उन्होंने किया है. एंड दैट वाज रियली फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ कि कितनी उर्दू होनी चाहिए और सटल रखनी थी, बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अगर पाकिस्तानी प्ले कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही हम उर्दू खींच खींच के मार रहे हैं. तो सटल था और कितने मतलब कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए वो सब वॉज डिसाइडेड बाय हर. एंड या दैट्स हाउ इट वॉज. आलिया मम्मी भी हैं आपकी फिल्म में, तो ज़रा उनके साथ काम करना कैसा रहा, कहीं एक्चुअली इनिशियली मैं बहुत नर्वस थी, नॉट फॉर माई सेल्फ फॉर हर. मुझे लगा कि ओ गॉड आई होप मम्मी डायलॉग्स मतलब मेमोराइज करके आई है, अगर यू नो वो भूल गई तो मैं नर्वस हो जाऊंगी उनके लिए. ऐसा होता ना कि बच्चों को थोड़ा सा नहीं नहीं ये गाता बहुत अच्छा है देखो तो वो वाला. आई वॉज फीलिंग फॉर माई मदर, आई वॉज रियली वियर्ड. बट तब मुझे रियलाइज हुआ एक सीन करने के बाद कि मतलब वो तो ऑब्वियसली शी इज वर्क वे मोर देन आई हैव एंड शी इज अ मच बेटर एक्टर देन आई एम. तो शी वॉज नॉट स्ट्रेस आउट, इनफैक्ट वो इतनी चिल्ड आउट थी. आई वॉज लाइक लिटिल लाइक वाओ, मैं बहुत मैं उनकी तरह बहुत हूँ. शी वॉज वेरी लाइक शॉर्ट के बाद यू नो कुछ और हाँ हम लोग यहाँ करेंगे बाहर जाएंगे ये करेंगे एंड ऑल्सो शी वॉज वेरी इन टू दैट. सो आई फेल्ट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मॉम केम इन द लास्ट लेग कश्मीर में, जहाँ सब आई थिंक हॉलीडे मोड पे चले गए थे क्योंकि पटियाला में हम लोग पसीने से मर रहे थे और फिर कश्मीर में इट वॉज लाइक you know coming back to heaven. kashmiri pulao to main har roz kha rahi thi. I came back and I put on 3 kilos, so it was a very beautiful experience. Alia hi. This is your first period film if I'm not wrong. Yes. So yeah. Was there any kind of pressure? And Meghna, how is it directing Alia? What do you think of her as an actor? I mean yeah, pressure also because it's a true story. So for me it's the first time I'm playing a true story, you know, representing a character that actually, a person that actually existed. So that comes with a sense of responsibility and a certain sense of onus that I hope that there's the right amount of representation, right amount of emotion, and I hope that, you know, the people feel what this character went through. Meghna? So it, like everybody knows by now, if she had not done this film, it would probably not get made. So she's a very big reason that this poster is behind us today. It was a pleasure, and I tell her this, ki as a director, she has spoiled me because the level of preparation that she comes with to the set, she will not only know her lines, she will know the other characters' lines also. unki zuban ko bhi wo saaf karti thi eventually set pe. Small nuances. She comes at them with instinct. You know, there is no, it's very spontaneous, and that is what shows, that grain shows on screen in her performance. Minor tweaks you ask her to do, she'll give you a whole other alternative to one performance, which is very, very gratifying because you see so many possibilities of this character in front of you. So it's been a very fulfilling journey making this film with her. And particularly the graph of the character, jab aap film dekhenge, aapko samajh mein aayega ki ye ladki shuru kahan se karti hai aur khatam kahan par jaake iski kahani hai, iska ye safar hota hai. Usme bhi jo choti choti cheeze hain, kis tarah se usne us waqt baat ki, uski body language us waqt kya thi, eventually what it became, these are very subliminal things. Surface pe to hairstyle, look, makeup hi dikhta hai, lekin bahut sari subliminal cheeze hoti hain jo ek performance mein aati hain. And which evolved actors are only capable of doing. Meghna, आप हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी
अलग तरह की फिल्म होगी, अलहदा फिल्म होगी, लेकिन फिर भी इस तरह की फिल्में काफ़ी बन चुकी हैं। पहले प्रिया राजवंश ने ये इस तरह का कैरेक्टर निभाया है। किस तरह की फिल्म? हिंदुस्तान की कसम जो थी उसमें प्रिया राजवंश ने भी इस तरह का कैरेक्टर निभाया है। तो ये जो राधी का जो आलिया का कैरेक्टर है वो उससे कितना डिफरेंट है, और इसको पाकिस्तान रिलीज करने का क्या प्लानिंग है आप लोगों का? सो इस आपके सवाल के दो जवाब हैं मेरे पास। ये इनका कैरेक्टर जो हिंदुस्तान की कसम है उसके कैरेक्टर से या उस कहानी से कितना अलग है मैं कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी नहीं है ऑनेस्टली। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा लगाव इस कहानी से या ये मेरा अट्रैक्शन इस कहानी से सिर्फ इस वजह से था कि ये एक ट्रू स्टोरी है, और जस्ट दैट सेट्स इट अपार्ट फॉर मी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। सो दैट्स योर फर्स्ट आंसर। इस फिल्म को पाकिस्तान में किस तरह से रिलीज़ करेंगे ये मैं मेरे बहुत ही केपेबल प्रोड्यूसर्स के हाथ में छोड़ूंगी, मेरा काम था फिल्म बना के उनको देना। हाय आलिया, हाय विक्की, मेरा सवाल है कि ये फिल्म का जो प्लॉट है या जो कैरेक्टराइजेशन है या जो आप दोनों का कैरेक्टर है काफ़ी अलग है, तो सोच के स्तर पर, रिसर्च के स्तर पर क्या आप लोगों ने वो किताब पढ़ी थी जिस पर ये फिल्म आधारित है, कॉलिंग सहमत, तो क्या आप लोग ने वो किताब भी पढ़ी, और सबसे मुश्किल क्या था आप लोगों के लिए जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे, मतलब कोई वाक्य या सोच के स्तर पर बहुत डिफिकल्ट था सीन को परफॉर्म करना, अगर दोनों आप बता पाए? किताब नहीं पढ़ी थी, कहा गया था कि ना पढ़ने, बिकॉज वी वर टोल्ड, वी तो मुझे पता नहीं, बट मुझे कहा गया था टू ट्रीट द स्क्रिप्ट एज द ब्लू प्रिंट फॉर माई कैरेक्टर, एंड उसी पे हम अपनी कहानी बनाएंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द बुक। एंड दूसरा, आपने जो डिफ़िकल्टी की बात की थी उसमें आई थिंक डिफ़िकल्टी एज सच मुझे याद है जो हमारा बॉम्बे स्केट था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, वेयर वी हैड क्रिएटेड अ सेट फॉर द इंटीरियर्स ऑफ जो हमारा हाउस इन पाकिस्तान है, तो वहाँ पे तकरीबन वी वर शूटिंग अराउंड सम आई थिंक 8 to 9 सीन्स एवरी डे, which is a lot जब आप सीन शूट कर रहे होते हैं। एंड वो मुझे याद है हम पहुँचते थे, तैयार होते थे, और उसके बाद वो दिन कैसा जाता था हमें नहीं पता, बिकॉज जाते थे शूट करते थे, आए चेंज किया, फिर जाते थे, फिर कुछ और शूट कर रहे हैं, फिर आते थे, तो इट वॉज लाइक वो चलता ही जा रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू मेघना एंड आर डी ओ पी जय पटेल, जिनकी इतनी ट्रिमेंडस प्लानिंग थी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे, क्योंकि जब इतना सारा शूट करना होता है तो आप सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें आप वही शूट कर सकते हो, आपके पास लग्जरी नहीं है कि चलो यार वो भी शूट कर लेते हैं, एडिट पे देख लेंगे, वो नहीं हो सकता। तो वो उनकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग थी कि हम वो कर पाए, पर इट वाज अ लॉट टू टेक फॉर द एंटायर यूनिट, बट उसके बाद अच्छा लग रहा था कि हमने इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट आई थिंक 12 to 14 डेज वी वर थ्रू 50% ऑफ द फिल्म। सो या मैंने मुझे किताब दी गई थी and I did go through it, but I also always believe that less is more. The film was my only, I think, Bible, you can say, the script to really refer to. Kyunki kitab kafi is very extensive, there are a lot of stories. So humne ek, I mean, there's, if you go to make the kitab, to kafi 2-3 part ban jayenge. To isme humne इस जर्नी को लेकर फिल्म बनाई थी, तो आई डेंट नीड टू गो थ्रू द होल बुक, आई जस्ट रेड इट फॉर फन मे बी, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा फीलिंग आया कि यू नो बुक है ऑलरेडी उसके ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट, और मेरे पास बुक था, बट आई लाइक टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट। एक छोटा सा सवाल और कि हाल ही में कश्मीर में कठुआ में एक छोटा सा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसपे बॉलीवुड में काफ़ी नाराजगी है, गुस्सा है, सारे एक्टर्स ने अपना गुस्सा भी दिखाया है, आपका कोई ओपिनियन है उस इंसिडेंट पे कठुआ में जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ? ऑफ कोर्स ओपिनियन है, बहुत बड़ा ओपिनियन है, एंड आई डोंट थिंक ओनली बॉलीवुड में नाराजगी है, आई थिंक ऑल ओवर द कंट्री नाराजगी है, लोगों के ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल नाराजगी है, इट्स अ वेरी डिसग्रेसफुल, शेमफुल, टेरेबल टेरेबल थिंग दैट्स हैपेंड एज अ गर्ल, एज अ वुमन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ रेजिडेंट एंड एज अ part of this country, I feel very bad and very hurt that something like this has happened. Ek time tha jab main bahut pad rahi thi iske upar, and last 2 days I've just parked it. I said if I keep reading about it, it's just going to make me more and more upset and angry and really really hurt. Maine tweet mein bhi kaha tha ki I really hope from my heart that justice is served, and
yeah, that's all I can say. And I think as a country and as people and as the part members of the media, and I'm sure you guys are doing a fantastic job, but we should really go out there and condemn this, because this cannot be happening to us constantly. Hi, Alia. Hi. You have a lovely voice. Can you sing two lines from Ae Watan for us, please? Please. Okay. Is it your birthday? No. I don't know, I feel like it's your birthday. No, but it's a special day because the song is really nice. And it's Ae Watan's birthday. It's Ae Watan's birthday. Yeah. Okay. Ae Watan, Watan, mere aabad rahe tu. Main jahan rahun, jahan mein yaad rahe tu. Ae Watan, mere Watan. Ae Watan, mere Watan. Hi, Alia. Done, thank you. Oh. Okay. Nice. Thank you. On a musical note, thank you guys. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you. Varun, aapko bula rahe hain.